हेलो फ्रेंड्स, मैं मौत वायरस स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यार बहुत दिनों से यार बहुत ही ज़्यादा मतलब उड़ती खबर आ रही है यार कि वीपीएन सर्वर का इस्तेमाल करने के कारण 16,000 आईडीज बैन हो गई है। यार बहुत सारे यूट्यूबर मतलब ऐसे ऐसी अफवाह फैला रहे कि यार 16,000 आईडीज बैन हुई है वीपीएन सर्वर का इस्तेमाल करने के कारण। और यार इसके कारण से यार बहुत सारे बंदे वीपीएन सर्वर का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं यार, या तो गेम खेलने के लिए भी नहीं कर रहे या फिर यार मतलब उनका एकदम इस्तेमाल ही करना छोड़ दिए कि कहीं मेरी आईडी बैन ना हो जाए। तो यार इस वीडियो में बेसिकली उसी के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि यार क्या लफड़ा है, क्या मामला है, क्या रियल में आईडी 16,000 आईडी बैन हुई है या नहीं हुई है, या सब कुछ मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड सबसे पहले यार हम लोग वीपीएन की बात कर लेते हैं। तो यार वीपीएन नॉर्मली यार सभी लोग यूज करते हैं और यार मैक्सिमम लोग जो यार नेपाल से यार वो लोग तो यार बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यार उनका पिंग हमेशा नॉर्मली हाई रहता है। तो यार इस कारण से वो लोग इंडिया का सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। तो यार उनकी तो आईडी कभी बैन नहीं हुई है। यार आप मतलब अपने बंदे से पूछ लेना जो यार नेपाल में रहता है उनकी क्या हाल रहती है, या वो लोग कभी यूज करते हैं या नहीं करते हैं। यार आपको पता चलेगा कि यार वो लोग नॉर्मली हमेशा इंडिया का सर्वर का इस्तेमाल करते हैं गेम खेलने के लिए। और यार सेकंड खुद ही आप अपना ले लो ना, क्या आपने मतलब आपकी आईडी कभी बैन हुई है? यार आपको आंसर मिलेगा नो, कभी भी आपकी भी आईडी बैन नहीं हुई है। या फिर तीसरा आप एग्जांपल ले लो कोई यूट्यूबर की, यार इतने सारे यूट्यूबर हमेशा वीपीएन ट्रिक का इस्तेमाल करके गेम खेलते हैं, वीडियो बनाते हैं, क्या कभी किसी की आईडी बैन हुई है? तो यार आपको फिर से आंसर मिलेगा नो, नहीं किसी की भी आईडी अभी तक बैन नहीं हुई है। तो यार यहीं पे तो यार सीधा प्रूफ हो जाता है कि यार वीपीएन सर्वर का इस्तेमाल करने से एक भी आईडी बैन नहीं होती है फ्रेंड। यार अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि 16,000 आईडी बैन हुई है। यार उसको लेके मैंने पूरा डिटेल में यार सर्च किया, मैंने यार सारा ट्विटर पे, मैंने पबजी का ऑफिशियल पेज, उसके अलावा यार फेसबुक पेज, सब जगह मैंने सर्च किया कि क्या यार सही में 16,000 आईडीज बैन हुई है पबजी की तरफ से वीपीएन का इस्तेमाल करने के कारण। तो यार मैंने देखा कि 16,000 आईडीज बैन तो जरूर हुई है फ्रेंड, लेकिन यार वो पबजी मोबाइल में नहीं बल्कि यार एपेक्स लेजेंड में हुई थी, जो कि यार फरवरी 2019 में हुआ था। और यार ये एपेक्स लेजेंड में हुआ था, ना कि पबजी मोबाइल में। तो यार अब आपको बताता हूँ कि यार पबजी मोबाइल का क्या मतलब उन लोगों का क्या रूल है, अगर किसी का अकाउंट बैन करना हो तो यार वो लोग मतलब किस तरह से मतलब अकाउंट बैन कर सकते हैं। तो यार उनका रूल में मैंने पढ़ा, तो यार सबसे पहला पता चला कि थर्ड पार्टी ऐप का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हो तो यार आईडी आपकी बैन हो सकती है। तो यार थर्ड पार्टी ऐप में क्या मतलब इंक्लूड होता है, तो यार मैं बताना चाहूँगी थर्ड पार्टी ऐप में यार इंक्लूड होता है सबसे पहला आपका जीएफएक्स टूल, यानी कि यार अगर आप लोग जीएफएक्स टूल का इस्तेमाल करते हो फ्रेंड तो यार आपकी आईडी बैन हो सकती है। उसके अलावा फ्रेंड थर्ड पार्टी ऐप में होता है यार क्रैक वर्जन पबजी मोबाइल का, यानी कि यार अगर आप लोग कोई भी मतलब यूज करते हो एक ऐसा मतलब वर्जन जिसमें जो यार क्रैक्ड होता है पबजी की तरफ से पबजी का अकाउंट, तो यार वो आता है थर्ड पार्टी ऐप में। उसके अलावा अगर आप लोग चीट वीट करते हो तब आपकी आईडी बैन होगी। उसके अलावा यार वीपीएन से रिलेटेड मेरे को यार ऐसा कोई भी मतलब वहाँ पर कोई भी रूल नहीं दिखा जिसमें कि यार लिखा हुआ हो कि वीपीएन के कारण आईडी बैन हो रही है। तो यार आप लोग समझ सकते हो यार कि मतलब आप लोग बिना किसी टेंशन के यार बिना किसी प्रॉब्लम के आप लोग आराम से यार वीपीएन कनेक्ट करके गेम खेल सकते हो फ्रेंड, क्योंकि यार मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो यार अब मैं बोलना चाहूँगा यार उन महान यूट्यूबर को जो जो यार मतलब अपने वीडियो में बोल रहे कि 16,000 आईडीज बैन हुई है वीपीएन के कारण। तो यार 16,000 तो छोड़ भाई, मतलब आप यार 16 ऐसे अकाउंट दिखा दो जिसमें कि यार आईडी बैन हुई हो वीपीएन के कारण से। ऐसा 16 यार आप प्रूफ करके दिखा दो अपने मतलब चैनल में ही, आप अपना मतलब एक वीडियो अलग सा बनाओ और उसमें दिखाओ कि यार 16 आईडी बैन हुई है वीपीएन के कारण से। तो यार मैं मान जाऊँगा कि यार हाँ यार आप बिल्कुल मतलब रियल वीडियो बनाते हो। यार मैं बोलना चाहूँगा कि यार अगर ऐसा कोई वीडियो बनाता है तो यार उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दो फ्रेंड, क्योंकि यार वो लोग जो यार अच्छे अच्छे यूट्यूबर जो वीपीएन आप लोगों के लिए लाते हैं यार उन लोगों को यार बदनाम करने के लिए वो लोग इस तरह का वीडियो बना रहे हैं। तो यार इसलिए उन लोगों से यार आप लोग थोड़ा दूर रहा करो, क्योंकि यार ये लोग बस यार आप लोगों के दिमाग में एक डर फालतू का पैदा कर देते हैं कि यार आईडी बैन हो रही है वीपीएन के कारण से। बल्कि यार मतलब सच्ची में मतलब रियलिटी ये है कि यार आज तक आईडी कभी भी वीपीएन के कारण से बैन नहीं हुई है। तो यार आप लोग बिंदास हो कि यार वीपीएन का इस्तेमाल करो, कोई आईडी किसी की भी कभी भी बैन नहीं होगी। यार आप लोग में से बता दो कि किनकी आईडी आज तक वीपीएन के कारण से बैन हुई हो, यार रिजल्ट में आपको दिखेगा कि आज तक एक भी आईडी बैन नहीं हुई है वीपीएन का इस्तेमाल करने से।
उसके अलावा फ्रेंड यार मैंने ट्विटर पे पूरा सर्च कर लिया फ्रेंड कि यार कोई भी ऐसा मतलब मेरे को प्रूफ दिखे कि पबजी की तरफ से 16,000 आईडीज बैन हुई है, तो यार ऐसा कोई मेरे को प्रूफ नहीं दिखा। यार बैन हुई थी आईडी, लेकिन यार वो फरवरी में हुई थी 30,000 आईडीज बैन, जो कि यार थर्ड पार्टी का इस्तेमाल प्लस जो बंदे ये हैक इस्तेमाल कर रहे थे उनकी आईडीज बैन हुई थी, ना कि यार वीपीएन सर्वर का इस्तेमाल करने वाले बंदों की। उसके अलावा यार अभी यार रिसेंट में जो पबजी वालों ने आईडी बैन किया यार, वो भी उसमें भी उन लोगों ने साफ साफ लिखा कि थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल किया था इन बंदों ने, और उनके अलावा क्रेड वर्जन का इस्तेमाल इन लोगों ने किया था, इसी कारण से उनकी आईडी बैन हुई है, ना कि यार वीपीएन के कारण से। तो यार आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा रूमर मतलब फैल रहा है फालतू का ये हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यार आप लोग यार बस मैं आप लोग को यार यही बोलना चाहूँगा कि यार आप लोग इन फालतू के रूमर्स पे ध्यान मत दो यार, बिंदास हो के आप लोग वीपीएन सर्वर इस्तेमाल करो, कोई आईडी बैन ना होने वाली किसी की भी। तो बस यार आज के लिए इस वीडियो में मतलब इतना ही था फ्रेंड। यार आगे अगर और भी कोई अगर करंट मतलब अपडेट आया वीपीएन को लेकर, तो यार मैं पक्का वीडियो जरूर डालूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।